यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर वासुकी ताल में बर्फबारी हुई है। वासुकी ताल में हुई बर्फबारी के बाद से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। वासुकी ताल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह है। बर्फबारी होने से अब सैलानी वासुकी ताल का रुख कर रहे हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और अगर हम केदारनाथ धाम की ही बात करें तो वहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर वासुकी ताल में बर्फबारी हुई है। वासुकी ताल में हुई बर्फबारी के बाद से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। वासुकी ताल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह है। बर्फबारी होने से अब सैलानी वासुकी ताल का रुख कर रहे हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और अगर हम केदारनाथ धाम की ही बात करें तो वहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर वासुकी ताल में बर्फबारी हुई है। वासुकी ताल में हुई बर्फबारी के बाद से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। वासुकी ताल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह है। बर्फबारी होने से अब सैलानी वासुकी ताल का रुख कर रहे हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और अगर हम केदारनाथ धाम की ही बात करें तो वहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर वासुकी ताल में बर्फबारी हुई है। वासुकी ताल में हुई बर्फबारी के बाद से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। वासुकी ताल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह है। बर्फबारी होने से अब सैलानी वासुकी ताल का रुख कर रहे हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और अगर हम केदारनाथ धाम की ही बात करें तो वहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर वासुकी ताल में बर्फबारी हुई है। वासुकी ताल में हुई बर्फबारी के बाद से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। वासुकी ताल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह है। बर्फबारी होने से अब सैलानी वासुकी ताल का रुख कर रहे हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और अगर हम केदारनाथ धाम की ही बात करें तो वहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है।